पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम गा, ये वो किताब है जिसकी आयतें जची तुली हैं। फिर ये कि अल्लाह हकीम व खबीर नाजिल करने वाले की तरफ से बतफसील बयान की गई है। उसका पैगाम यह है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो और मैं उसकी तरफ से तुमको डर सुनाने वाला और खुशखबरी देने वाला हूं। और ये कि अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो, वो तुमको एक वक्त मुकर्रर तक मताए नेक से बहरामंद करेगा और हर लायक फजीलत को उसकी फजीलत देगा। और अगर रूगर्दानी करोगे तो मुझे तुम्हारे बारे में कयामत के बड़े दिन के अजाब का डर है। तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है और वो हर चीज पर कादिर है। देखो ये अपने सीनों को दोहरा करते हैं ताकि अल्लाह से छुप जाए। सुन रखो, जिस वक्त ये अपने कपड़ों में लिपट रहे होते हैं तब भी वो इनकी छुपी और खुली बातों को जानता है। वो तो दिलों की बातों तक से आगाह है। और जमीन पर कोई चलने फिरने वाला नहीं मगर उसका रिज़्क अल्लाह के जिम्मे है। वो उसके रहने की जगह को भी जानता है और जहां सौंपा जाता है उसे भी। ये सब कुछ किताब रोशन में लिखा हुआ है। और वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में बनाया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। तुम्हारे पैदा करने से मकसूद ये है कि वो तुमको आजमाए कि तुम में अमल के लिहाज से कौन बेहतर है। और ऐ नबी, अगर तुम कहो कि तुम लोग मरने के बाद जिंदा करके उठाए जाओगे तो काफिर कह देंगे कि ये तो खुला जादू हुआ। और अगर एक मुद्दत मुय्यन तक हम इनसे अजाब रोक दें तो कहेंगे कि कौन सी चीज अजाब को रोके हुए है। देखो जिस रोज वो इन पर वाक़े होगा फिर टलने का नहीं, और जिस चीज का ये मजाक उड़ाते हैं वो इनको घेर लेगी। और अगर हम इंसान को अपने पास से नेमत बख्शें फिर इससे उसको छीन ले तो नाउम्मीद और नाशुकरा हो जाता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद आसाइश का मजा चखाएं तो खुश होकर कहता है कि सब सख्तियां मुझसे दूर हो गई। बेशक वो है ही खुशी में मस्त हो जाने वाला, बड़ा फख्र जताने वाला। हां जिन्होंने सब्र किया और अमल नेक किए यही हैं जिनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। तो शायद तुम कुछ चीज वही में से जो तुम्हारे पास आती है छोड़ दो और इस ख्याल से तुम्हारा दिल तंग हो कि काफिर ये कहने लगे कि इस पर कोई खजाना क्यों नहीं नाजिल हुआ या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। ऐ नबी, तुम तो सिर्फ नसीहत करने वाले हो और अल्लाह हर चीज का निगहबान है। क्या ये लोग कहते हैं कि इसने कुरान असखुद बना लिया है? कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम भी ऐसी 10 सूरतें बना लाओ और अल्लाह के सिवा जिस जिस को बुला सकते हो बुला भी लो। बस अगर वो तुम्हारी बात कबूल न करें तो जान लो कि ये कुरान अल्लाह के इल्म से उतरा है और ये कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो क्या तुम लोग इस्लाम लाते हो? जो लोग दुनिया की जिंदगी और उसकी जेब जीनत के तालिब हों हम उनके अमाल का बदला उन्हें दुनिया ही में दे देते हैं और उसमें उनकी हक तलफी नहीं की जाती। ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आतश जहन्नम के सिवा और कुछ नहीं। और जो अमल उन्होंने दुनिया में किए सब बर्बाद और जो कुछ ये करते रहे सब जाया हुआ। भला जो लोग अपने परवरदिगार की तरफ से दलीलें रोशन रखते हों और उनके साथ एक आसमानी गवाह भी उसकी जानिब से हो और इससे पहले मूसा की किताब हो जो पेशवा और रहमत है, तो क्या वो कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे? यही लोग तो इस पर ईमान लाते हैं। और जो कोई और फिरकों में से इससे मुनकिर हो तो उसका ठिकाना आग है। तो तुम इस कुरान से शक में न होना, ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है। लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे? ऐसे लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और गवाह कहेंगे कि यही लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बोला था। सुन रखो कि जालिमों पर अल्लाह की लानत है। जो अल्लाह के रस्ते से रोकते और उसमें कजी चाहते हैं और वो आखिरत का भी इनकार करते हैं, ये लोग जमीन में कहीं छुपकर अल्लाह को हरा नहीं सकते और न अल्लाह के सिवा कोई इनका हिमायती है। ऐ पैगंबर, इनको दुगना अजाब दिया जाएगा क्योंकि ये शिद्दत कुफ्र से तुम्हारी बात नहीं सुन सकते थे और न तुमको देख सकते थे। यही है जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला और जो कुछ ये इफ्तरा किया करते थे इनसे जाता रहा। बिलाशुबा ये लोग आखिरत में सबसे ज्यादा नुकसान पाने वाले हैं।
جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی یہی صاحب جنت ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دونوں فریقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور ایک دیکھتا سنتا، بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت دردناک عذاب کا خوف ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی سطحی رائے سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اے قوم دیکھو تو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ ہو گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اس سے ناخوش ہو؟ اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا مطالبہ تو نہیں کرتا، میرا صلہ تو اللہ کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اے میری قوم، اگر میں ان کو نکال دوں تو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزا نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، اب اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔ نوح نے کہا کہ اس عذاب کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، اور تم اللہ کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے، اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ رہنے دے، تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے سامنے بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ اور نوح نے کشتی بنانا شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے، وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے پالتو جانوروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ نوح نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کہ اسی کے کرم سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی، لہریں کیا تھیں گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو، اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا
कि बे इंसाफ लोगों पर लानत। और नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि परवरदिगार, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में है, तू उसको भी नजात दे, तेरा वादा सच्चा है और तू बेहतरीन हाकिम है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नूह, वो तेरे घर वालों में नहीं है, वो तो सरासर बदअमल है, तो जिस चीज की तुमको हकीकत मालूम नहीं उसके बारे में मुझसे दरखास्त ही ना करो, और मैं तुमको नसीहत करता हूं कि नादान ना बनो। नूह ने कहा, परवरदिगार मैं तुझसे पनाह मांगता हूं कि ऐसी चीज की तुझसे दरखास्त करूं जिसकी हकीकत मुझे मालूम नहीं, और अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा और मुझ पर रहम नहीं फरमाएगा तो मैं तबाह हो जाऊंगा। हुक्म हुआ कि नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथ की जमातों पर नाजिल की गई हैं, उतर आओ। और कुछ और जमातें होंगी जिनको हम दुनिया के फवायद से बहरामंद करेंगे, फिर उनको हमारी तरफ से अजाब अलीम पहुंचेगा। ये हालात गैब की खबरों में से हैं जो हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं, और इससे पहले न तुम ही इनको जानते थे और न तुम्हारी कौम ही इनसे वाकिफ थी, तो सब्र करो कि अंजाम परहेजगारों ही का भला है। और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा, उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम शिर्क करके अल्लाह पर महज बोहतान बांधते हो। मेरी कौम, मैं इस वाज़ो नसीहत का तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया, भला तुम समझते क्यों नहीं। और ऐ कौम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत पर ताकत बढ़ाएगा, और देखो गुनाहगार बनकर रूगरदानी न करो। वो बोले, हूद, तुम हमारे पास कोई दलील जाहिर नहीं लाए, और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से न अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और न तुम पर ईमान लाने वाले हैं, हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर दीवाना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह करता हूं और तुम भी गवाह रहो कि जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूं, यानी जिनकी अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, तो तुम सब मिलकर मेरे बारे में जो तदबीर करनी चाहो कर लो और मुझे मोहलत न दो, मैं अल्लाह पर जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है भरोसा रखता हूं। जमीन पर जो चलने फिरने वाला है वो अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, बेशक मेरा परवरदिगार सीधे रास्ते पर है। अब अगर तुम रूगरदानी करोगे तो जो पैगाम मेरे जरिए तुम्हारी तरफ भेजा गया है वो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है, और मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह और लोगों को ला बसाएगा, और तुम अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे, मेरा परवरदिगार तो हर चीज पर निगहबान है। और जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा तो हमने हूद को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उन्हें अजाब शदीद से नजात दी। ये वही कौम आद है जिसने अल्लाह की निशानियों से इनकार किया और उसके पैगंबरों की नाफरमानी की और हर सरकश व मुतकब्बिर का कहा माना, और इस दुनिया में भी लानत उनके पीछे लगी रही और कयामत के दिन भी लगी रहेगी। देखो, कौम आद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, और सुन रखो, कौम आद पर फिटकार है जो हूद की कौम थी। और कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा तो उन्होंने कहा, ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, उसी ने तुमको जमीन से पैदा किया और उसमें आबाद किया, तो उससे मग़फ़िरत मांगो और उसके आगे तौबा करो, बेशक मेरा परवरदिगार नजदीक भी है और दुआ का कबूल करने वाला भी है। उन्होंने कहा कि सवाले, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे, अब वो मुनक़ते हो गई, क्या तुम हमको उन चीजों से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूजते आए हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसकी तरफ से हम बड़े भारी शक में हैं। वाले ने कहा, ऐ मेरी कौम, भला देखो तो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से खुली दलील पर हूं और उसने मुझे अपने हाथ से नबूवत की नेमत बख्शी हो, तो अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं तो उसके सामने मेरी कौन मदद करेगा, तुम तो कुफ्र की बातों से मेरा नुकसान ही करते हो। और ये भी कहा कि ऐ कौम, ये अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी यानी मोजजा है, तो इसको छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में जहां चाहे चलती फिरे, और इसको किसी तरह की तकलीफ ना देना वरना तुम्हें जल्द अजाब आ पकड़ेगा। मगर उन्होंने उसको काट डाला तो सवाले ने कहा कि अपने घरों में 3 दिन और फायदे उठा लो, ये वादा है कि झूठा ना होगा,
बस जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सवाले को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताकतवर है, जबरदस्त है। और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको चिंगाड़ की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया कभी उनमें बसे ही न थे। सुन रखो कि कौम समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, और सुन रखो कौम समूद पर फिटकार है। और हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास बिशारत लेकर आए तो सलाम कहा, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। अभी कुछ वक्फा नहीं हुआ था कि इब्राहिम एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। फिर जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ते यानी वो खाना नहीं खाते तो उनको अजनबी समझकर दिल में खौफ किया। फरिश्तों ने कहा कि खौफ न कीजिए, हम कौम लूत की तरफ उनके हलाक करने को भेजे गए हैं। और इब्राहिम की बीवी जो पास खड़ी थी हंस पड़ी, तो हमने उसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। उसने कहा, एहे मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूं और ये मेरे मियां भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ऐ अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं, वो लायक तारीफ है, बड़ा है। फिर जब इब्राहिम से खौफ जाता रहा और उनको खुशखबरी भी मिल गई तो कौम लूत के बारे में लगे हमसे बहस करने। बेशक इब्राहिम बड़े तहम्मुल वाले, नर्म दिल और रुजू करने वाले थे। ऐ इब्राहिम, इस बात को जाने दो, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा है और इन लोगों पर अजाब आने वाला है जो कभी नहीं टलने का। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंगदिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। और लूत की कौम के लोग उनके पास बेतहाशा दौड़ते हुए आए और ये लोग पहले ही से इंतहाई बेहुदा हरकतें किया करते थे। लूत ने कहा कि ऐ भाइयों, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं, तो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे बेआबरू न करो, क्या तुम में कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? वो बोले, तुमको मालूम है कि तुम्हारी इन बेटियों की हमें कुछ हाजत नहीं और जो हमारी गरज है उसे तुम खूब जानते हो। लूत ने कहा, ऐ काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या मैं किसी मजबूत कले में पनाह ले लेता। फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे, तो कुछ रात रहे से अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे मगर तुम्हारी बीवी के जो आफत उन पर पड़ने वाली है वही उस पर भी पड़ेगी। उनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है और क्या सुबह कुछ दूर है? फिर जब हमारा हुक्म आया हमने उस बस्ती को उलट कर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर पत्थर की तह बतह कंकरियां बरसाई जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान किए हुए थे, और वो बस्ती उन जालिमों से कुछ दूर नहीं। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा कि ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो कि उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप और तोल में कमी न किया करो, मैं तो तुमको आसूदा हाल देखता हूं, और अगर तुम ईमान न लाओगे तो मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अजाब का खौफ है जो तुमको घेर कर रहेगा। और ऐ मेरी कौम, नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो और लोगों को उनकी चीजें कम न दिया करो और जमीन में खराबी करते न फिरो, अगर तुमको मेरे कहने का यकीन हो तो अल्लाह का दिया हुआ नफा ही तुम्हारे लिए बेहतर है और मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूं। उन्होंने कहा, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि जिनको हमारे बाप दादा पूजते आए हैं हम उनको तर्क कर दें, या अपने माल में तसर्रुफ करना चाहें तो न करें? तुम तो बड़े नर्म दिल और बड़े सीधे हो। उन्होंने कहा कि ऐ कौम, देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन पर हूं और उसने अपने हाथ से मुझे नेक रोजी दी हो तो क्या मैं अपना फर्ज अदा न करूं? और मैं नहीं चाहता कि जिस बात से मैं तुम्हें मना करूं खुद उसको करने लगूं। मैं तो जहां तक मुझसे हो सके तुम्हारे मामलात की इस्लाह चाहता हूं, और इस बारे में मुझे तौफीक का मिलना अल्लाह ही के फजल से है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूं और उसी की तरफ रुजू करता हूं। और ऐ कौम, मेरी मुखालफत तुमसे कोई ऐसा काम न करा दे कि जैसी मुसीबत नूह की कौम या हूद की कौम या सालेह की कौम पर वाकई हुई थी वैसी ही मुसीबत तुम पर वाकई हो।
और लूत की कौम का जमाना तो तुमसे कुछ दूर नहीं, और अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो, बेशक मेरा परवरदिगार बड़ा मेहरबान है, बहुत मोहब्बत करने वाला है। उन्होंने कहा कि शोएब, तुम्हारी बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती, और हम देखते हैं कि तुम हम में कमजोर भी हो, और अगर तुम्हारे भाई बहन न होते तो हम तुमको संसार कर देते, और तुम हम पर किसी तरह भी गालिब नहीं हो। उन्होंने कहा कि ऐ कौम, क्या मेरे भाई बंदों का दबाव तुम पर अल्लाह से ज्यादा है, और उसको तुमने पीठ पीछे डाल रखा है? मेरा परवरदिगार तो तुम्हारे सब आमाल का इहाता किए हुए है, और ऐ कौम, तुम अपनी जगह काम किए जाओ, मैं अपनी जगह काम किए जाता हूँ, तुमको अनकरीब मालूम हो जाएगा कि रुस्वा करने वाला अजाब किस पर आता है और झूठा कौन है, और तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। और जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने शुएब को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको तो अपनी रहमत से बचा लिया, और जो जालिम थे उनको चिंघाड़ने आ दबोचा, तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया उनमें कभी बसे ही न थे। सुन रखो कि मदियन पर वैसी ही फिटकार है जैसी समूद पर फिटकार थी, और हमने मूसा को अपनी निशानियां और दलील रोशन देकर भेजा फिरौन और उसके सरदारों की तरफ, तो वो फिरौन ही के हुक्म पर चलते रहे, हालांकि फिरौन का हुक्म दुरुस्त नहीं था। वो कयामत के दिन अपनी कौम के आगे आगे चलेगा, फिर उनको दोजख में जा उतारेगा, और जिस मकाम पर वो उतारे जाएंगे वो बुरा है। और इस जहान में भी लानत उनके पीछे लगा दी गई, और कयामत के दिन भी पीछे लगी रहेगी, जो इनाम उनको मिला है बुरा है। ये पुरानी बस्तियों के थोड़े से हालात हैं जो हम तुमसे बयान करते हैं, इनमें से बाज तो बाकी हैं और बाज तहस नहस हो गई, और हमने उन लोगों पर जुल्म नहीं किया बल्कि उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। गरज जब तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा तो जिन माबूदों को वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे वो उनके कुछ भी काम ना आए, और बर्बादी के सिवा उन्हें और कुछ न दे सके। और तुम्हारा परवरदिगार जब नाफरमान बस्तियों को पकड़ा करता है तो उसकी पकड़ इसी तरह की होती है, बेशक उसकी पकड़ दुख देने वाली सख्त है। इन किस्सों में उस शख्स के लिए जो अजाब आखिरत से डरे इबरत है, ये वो दिन होगा जिसमें सब इकट्ठे किए जाएंगे, और यही वो दिन होगा जिसमें सब अल्लाह के रूबरू हाजिर किए जाएंगे, और हम उसके लाने में एक वक्त मुअय्यन तक ताखीर कर रहे हैं। जिस रोज वो आ जाएगा तो कोई शख्स अल्लाह के हुक्म के बगैर बोल भी नहीं सकेगा, फिर उनमें से कुछ बदबख्त होंगे और कुछ नेक बख्त। तो जो बदबख्त होंगे वो दोजख में डाल दिए जाएंगे, उसमें उनको चिल्लाना और धाड़ना होगा। जब तक आसमान और जमीन है वो उसी में रहेंगे, मगर जितना तुम्हारा परवरदिगार चाहे, बेशक तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है कर देता है। और जो नेक बख्त होंगे वो बहिश्त में दाखिल किए जाएंगे, और जब तक आसमान और जमीन है हमेशा उसी में रहेंगे, मगर जितना तुम्हारा परवरदिगार चाहे, ये अल्लाह की बख्शिश है जो कभी मुनक़ते नहीं होगी। तो ये लोग जो गैरुल्लाह की परस्तिश करते हैं उससे तुम शक में न पड़ना, ये उसी तरह परस्तिश करते हैं जिस तरह पहले से इनके बाप दादा परस्तिश करते आए हैं, और हम इनको इनका हिस्सा पूरा पूरा बगैर कुछ कम किए देने वाले हैं। और हमने मूसा को किताब दी तो उसमें इख्तिलाफ किया गया, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले न हो चुकी होती तो इनमें फैसला कर दिया जाता, और वो तो उसकी तरफ से बड़े भारी शक में पड़े हुए हैं। और तुम्हारा परवरदिगार उन सबको कयामत के दिन उनके अमाल का पूरा पूरा बदला देगा, बेशक जो अमल ये करते हैं वो उससे वाकिफ है। सो ऐ पैगंबर, जैसा तुमको हुक्म होता है उस पर तुम और जो लोग तुम्हारे साथ तायब हुए हैं कायम रहो, और हद से तजावुज न करना, वो तुम्हारे सब आमाल को देख रहा है। और मुसलमानों, जो लोग जालिम हैं उनकी तरफ माइल न होना, नहीं तो तुम्हें भी दोजख की आग आ लिपटेगी, और अल्लाह के सिवा तुम्हारे कोई दोस्त नहीं होंगे, फिर तुम्हें कोई मदद भी न मिलेगी। और दिन के दोनों सिरों यानी सुबह और शाम के औकात में और रात की चंद सातों में नमाज पढ़ा करो, कुछ शक नहीं कि नेकियां गुनाहों को दूर कर देती हैं। ये उनके लिए नसीहत है जो नसीहत कबूल करने वाले हैं, और सब्र किए रहो कि अल्लाह नेकुकारों का अजर जाया नहीं करता।
तो जो उम्मतें तुमसे पहले गुजर चुकी हैं उनमें ऐसे होशमंद क्यों ना हुए जो मुल्क में खराबी करने से रोकते। हाँ, ऐसे थोड़े से थे जिनको हमने उनमें से नजात बख्शी, और जो जालिम थे वो उन्हीं बातों के पीछे लगे रहे जिनमें ऐश व आराम था, और वो गुनाहों में डूबे हुए थे। और तुम्हारा परवरदिगार ऐसा नहीं है कि बस्तियों को, जबकि वहां के बाशिंदे नेकूकार हों, अज़राए जुल्म तबाह कर दे। और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो तमाम लोगों को एक ही जमात कर देता और वो बराबर इख्तलाफ करते रहेंगे, मगर जिन पर तुम्हारा परवरदिगार रहम फरमाए, और इसीलिए उसने इनको पैदा किया है। और तुम्हारे परवरदिगार का कौल पूरा हो गया कि मैं दोजख को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। और ऐ नबी और पैगंबरों के वो सब हालात जो हम तुमसे बयान करते हैं उनसे हम तुम्हारे दिल को जमाए रखते हैं, और इन हालात में तुम्हारे पास हक पहुंच गया, और ये मोमिनों के लिए नसीहत और इबरत है। और जो लोग ईमान नहीं लाए उनसे कह दो कि तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, हम अपनी जगह अमल किए जाते हैं, और नतीजे अमाल का तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। और आसमानों और जमीन की छुपी चीजों का इल्म अल्लाह ही को है, और तमाम मामलात उसी की तरफ रुजू किए जाएंगे, तो उसी की इबादत करो और उसी पर भरोसा रखो। और जो कुछ तुम लोग कर रहे हो तुम्हारा परवरदिगार उससे बेखबर नहीं। وَقَالَ اللَّهُ الْعَظِيمُ